नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिद्धू ऑटोमोटिव में। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपकी कार से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर मंथ में बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में कि कौन सी गाड़ियां हैं जो नवंबर मंथ में सबसे ज़्यादा बिकी हैं। तो आज उन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करेंगे हम कि कौन सी गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिकी हैं नवंबर मंथ में और क्या क्या उनके नंबरिंग सेल्स रहे हैं, कितने तादाद में बिकी हैं वो गाड़ियां। तो दोस्तों, इसी चीज़ में हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर बात करें सबसे, तो दोस्तों बात करें सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी की जो 10वें नंबर पर रही है वो है ग्रैंड आई10। तो दोस्तों, ग्रैंड आई10 लगभग 10,186 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर 2019 में ग्रैंड आई10 की। और अब बात करें इसी गाड़ी के अक्टूबर मंथ में बिकने के लिए, तो अक्टूबर में इसी गाड़ी की लगभग 9,873 यूनिट बिकी थी इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में। तो ये गाड़ी लगभग उससे ज़्यादा बिकी है और पिछले महीने ये 11वें स्थान पर थी और इस साल इस महीने अभी ये बिक्री बढ़ने के कारण 10वें नंबर पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, इससे इसके बाद बात करें 9वें नंबर की गाड़ी की, जो गाड़ी 9वें नंबर पर रही है, तो ये गाड़ी थी गाड़ी है i20। तो दोस्तों, i20 इस मंथ लगभग 10,446 यूनिट बिकी है, जबकि पिछले महीने ये गाड़ी लगभग 14,683 यूनिट बिकी थी और 5वें नंबर पर रही थी, लेकिन इस मंथ ये 9वें नंबर पर आई है i20। और इसके बाद बात करें 8वें नंबर पर रहने वाली गाड़ी की, तो 8वें नंबर पर गाड़ी रही है मारुति की न्यू कार एस्प्रेसो। तो पिछले मंथ की तरह इस तरह भी इसने ज़बरदस्त सेल की है एस्प्रेसो ने और ये गाड़ी 11,220 यूनिट बिकी है नवंबर 2019 में। और पिछले मंथ की इसकी सेल्स की बात करें, तो पिछले मंथ इसकी सेल्स थी 10,634 और ये गाड़ी 8वें नंबर पर थी। इस बार भी ये गाड़ी 8वें नंबर पर है और अपनी ज़बरदस्त सेल्स को बनाए रखी है उसी तरह। और इसके बाद बात करें 7वें नंबर की गाड़ी की, तो ये मारुति की कंपैक्ट SUV ब्रीज़ा है, जो लगभग 12,033 यूनिट बिकी है इसी मंथ में नवंबर 2019 में। इसके पिछले मंथ में अगर इसकी बिक्री की बात करें, तो ये गाड़ी 10,227 यूनिट बिकी थी और ये गाड़ी 9वें नंबर पर आई थी। इस बार ये गाड़ी दो स्थान की छलांग लगाकर लगभग 7वें स्थान पर पहुंच चुकी है। और इसके बाद 6वें नंबर पर आने वाली गाड़ी है, 6th नंबर पर आई है किया की सेल्टॉस। ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है तभी से अपनी ज़बरदस्त सेल्स बनाई हुई है। इस साल इस महीने भी इसने ज़बरदस्त सेल्स दर्ज की है और लगभग 14,005 यूनिट अपनी जो सेल्स है इसने दर्ज की है नवंबर 2019 में। और जो पिछले महीने की अगर सेल्स की बात करें, तो वो थी इसकी 12,854 यूनिट और ये गाड़ी 7वें नंबर पर थी, लेकिन इस बार एक नंबर का और इजाफा हुआ इसकी रैंकिंग में और ये छठे नंबर पर पहुंच गई है 14,005 यूनिट के साथ। और उसके बाद बात करें 5वें नंबर पर आने वाली गाड़ी की, तो 5वें नंबर पर मारुति की वैगनआर है और इस गाड़ी की लगभग 14,650 यूनिट बिकी हैं नवंबर 2019 में। और पिछले महीने की सेल्स की बात करें, तो इस गाड़ी की 14,359 यूनिट बिकी थी और ये गाड़ी 6वें नंबर पर थी। इस बार एक रैंकिंग की सुधार के साथ ये गाड़ी लगभग 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है ये गाड़ी। और उसके बाद बात करें 4थे नंबर पर आने वाली गाड़ी की, तो वो है मारुति की हैचबैक आल्टो। तो दोस्तों, इस सेल्स में आल्टो K10 दोनों की सेल्स शामिल हैं। ये गाड़ी लगभग 15,086 यूनिट बिकी है और ये पिछले महीने 3रे नंबर पर आई थी अक्टूबर 2019 में, तभी इस गाड़ी की 17,903 यूनिट बिकी थी और इस साल ये इस महीने ये 4थे नंबर पर पहुंच चुकी है और इस गाड़ी की 15,086 यूनिट बिकी है। और तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पर रहने वाली गाड़ी की, तो तीसरे नंबर पर आई है हर महीने पहले नंबर पर रहने वाली मारुति की स्विफ्ट डिजायर। ये गाड़ी इस मंथ तीसरे नंबर पर पहुँच चुकी है और इस गाड़ी की लगभग 17,659 यूनिट बिकी है। पिछली महंत की बात करें अक्टूबर 2019 की, तो इस गाड़ी की 19,569 यूनिट बिकी थी और ये गाड़ी पहले नंबर पर आई थी, लेकिन इस बार ये गाड़ी तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। तो इसके बाद बात करें दूसरे नंबर की गाड़ी की, तो दूसरे नंबर पर आई है मारुति की हैचबैक बलेनो। तो दोस्तों, ये गाड़ी दूसरे नंबर पर 18,047 यूनिट बिकी है और ये गाड़ी दूसरे नंबर पर आई है, लेकिन पिछले मंथ की बात करें, तो इस गाड़ी की 16,237 यूनिट बिकी थी और ये गाड़ी चौथे नंबर पर आई थी। इस बार ये गाड़ी अपनी रैंक में सुधार के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। और अब बात करें सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी की, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी इस महीने है मारुति की स्विफ्ट। ये गाड़ी पिछले महीने भी नंबर 2 पर रही थी, लेकिन इस महीने इसकी लगभग उतनी ही यूनिट बिकी है, थोड़े फर्क के साथ इस महीने इसकी बिकी है 19,314 यूनिट
मारुति स्विफ्ट की, लेकिन पिछले महीने बिकी थी 19,401 यूनिट। लेकिन इस महीने डिजायर के स्विफ्ट डिजायर के कम बिकने के कारण और बलेनो के ज़्यादा बिकने के कारण ये गाड़ी पहले नंबर पर आ गई है, लेकिन पिछले महीने ये गाड़ी दूसरे नंबर पर थी। तो देखिए दोस्तों, देखा इस तरह से आपने कि कौन सी गाड़ी किस नंबर पर पहुंची है। तो पहले नंबर पर अभी कब्जा जमाया है मारुति की गाड़ी ने, स्विफ्ट ने। और इसी तरह अगर हम देखें टॉप 10 गाड़ियों में, तो इसमें लगभग 7 गाड़ियां मारुति की, 2 गाड़ियां हुंडई की और एक गाड़ी किया की है, जो एक तरह से हुंडई मोटर ग्रुप का ही हिस्सा है। तो इस तरह थी ये इस महीने इंडिया के टॉप 10 गाड़ियों की रैंकिंग। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि अगर इसी तरह आपको हर महीने इस गाड़ियों की सेल्स नंबर चाहिए और साथ ही आपको टॉप 10 एसयूवी के लिए भी वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो उसको भी आपको वीडियो बना कर दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।